Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing a very important topic from Materia Medica, and that remedy is Hipparserf. Friends, जब मैं आपके साथ Hipparserf discuss करूं तो आप इसके mind के symptoms पर, skin के symptoms पर ध्यान दीजिएगा, because most frequently examination में इसी topic से questions पूछे जाते हैं. So yes, let's get started. So friends, let's start discussing Hipparserf from your LN keynotes. यहाँ पे mention किया गया है that Hipparserf usually lymphatic constitution के person को दी जाती है, जिनका light hair होता है, light complexion होता है, and they are very slow and sluggish. काफी ज़्यादा वो slow होते हैं और इनके muscles जो होते हैं वो flabby होते हैं. Now, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके skin के symptoms important हैं, so यहाँ पर mention किया गया है that the slightest injury causes suppression. यहाँ पर जो slightest injury, थोड़ी सी भी injury होती है, तो वो suppuration cause कर देती है. That means जो person होता है उसकी body में कोई भी छोटी सी छोटी injury में suppuration हमें देखने को मिल जाता है. That means pus formation की tendency देखने को मिलती है. Diseases where the system has been injured by the abuse of mercury. ज्यादातर मर्करी के अब्यूज की वजह से जो डिजीजेस होती हैं, या फिर ऐसी डिजीजेस जहां पे सप्यूरेशन सीम्स इनएविटेबल, मतलब ऐसा लगता है कि सप्यूरेशन होना इम्पॉसिबल है, तो वो जगह पर Hipparserf जो है वो सप्यूरेशन कॉज करता है. हिपर में ओपन द एब्सेस एंड हेसन द क्योर. जो Hipparserf मेडिसिन होती है ये एब्सेस को ओपन कर देती है और क्योर को हेसन, दैट मींस स्पीडी क्योर के लिए काम करती है. ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली. मैंने आपको स्किन बताया था कि इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में, दैट वाज माइंड. तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट इसका जो पर्सन होता है वो ओवर सेंसिटिव होता है बोथ फिजिकली एंड मेंटली. स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट्स हिम. छोटी सी भी चीजें उसको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती हैं. पर्सन जो होता है वो हेस्टी स्पीच और हेस्टी ड्रिंकिंग, दैट मींस बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और बहुत जल्दी जल्दी पानी पीता है. पेशेंट इज पीविश, एंग्री एट लीस्ट ट्रिफल्स. छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है. अनरीजनेबली एंशियस. अनरीजनेबली वो बहुत ज्यादा एंशियस होता है, ठीक है. एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर. बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट Hipparserf का जो पेशेंट होता है वो कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव होता है. आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें ये पॉइंट भी मेंशन किया गया है दैट इसका जो पर्सन होता है, अगर किसी दूसरे रूम की खिड़की भी खुली है तो उसे फील होता है दैट उस खिड़की से इस तक हवा पहुंच रही है, ठीक है. पर्सन जो होता है वो रैप्ड अप किए रहता है खुद को फ्रॉम फेस अप टू द फेस इवन इन हॉट वेदर. हॉट वेदर या फिर वार्म वेदर में भी वो खुद को पूरी तरीके से कवर करके रखता है. कैनॉट बियर टू बी अनकवर्ड. उसका जो पर्सन होता है वो बिल्कुल अनकवरिंग बियर नहीं कर पाता, ठीक है. तो वो फेस तक खुद को कवर करता है और कैनॉट बियर अनकवरिंग. मूविंग ऑन, यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट थोड़ी सी भी अगर फ्रेश एयर का एक्सपोजर होता है तो स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर से वो कोल्ड ले लेता है, दैट मींस उसको ठंड लग जाती है थोड़ा सा भी अगर एक्सपोजर होता है फ्रेश एयर से तो. नाउ यूरिन की अगर हम बात करें तो फ्लो Hipparserf के पेशेंट में इम्पीडेड होता है, और जो यूरिन होती है वो वॉइडेड विद डिफिकल्टी या फिर स्लोली वॉइड आउट होती है, एंड इट ड्रॉप्स वर्टिकली. पर्सन जो होता है उसको वेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू पास यूरिन, ठीक है. और उसको जब भी ये यूरिन पास कर लेता है तो उसको ऐसी फीलिंग होती है दैट सम यूरिन ऑलवेज रिमेन्स. तो बेसिकली इसका जो पर्सन होता है उसका ब्लैडर क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है तो वो प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पाता.
नाउ टॉकिंग अबाउट कफ, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट इसको कवरिंग की डिजायर होती है, ये अपने आप को पैर से लेके सर तक पूरा कवर करके रखता है वार्म वेदर में भी, और थोड़े से भी कोल्ड एयर के एक्सपोजर से इसको तुरंत ठंड लग जाती है, तो इसको तुरंत खांसी आने लगती है जब भी कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी इसकी अनकवर्ड होती है, बिल्कुल रस्टॉक्स जैसे। कफ का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है दैट इट विल बी क्रूपी, कफिंग जो होगी इसकी वो क्रूपी होती है, चोकिंग टेंडेंसी होती है, स्ट्रैंगलिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, ड्राई वेस्ट विंड और लैंड विंड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अस्थमा के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, वीजिंग और रैटलिंग कफ होगा, पर्सन जो है वो डीप ब्रीथ लेगा, ठीक है, डीप ब्रीदिंग होती है और सफोकेशन की चांसेस भी होती है, पर्सन जो होता है वो अपने सर को पीछे करके बैठा रहता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यहाँ पे अस्थमा देखने को मिलता है आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, तो इरप्शन सप्रेशन होने के बाद कई मेडिसिन्स होती हैं, एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सप्रेशन जब इरप्शन का हो जाता है तो उसकी वजह से डायरिया होता है, वो कौन सी मेडिसिन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिलहाल ये जो मेडिसिन है इसमें सप्रेस्ड इरप्शन के बाद अस्थमा देखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रूप, क्रूप की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो क्यों हो रहा था, ड्राई कोल्ड विंड के एक्सपोजर की वजह से हो रहा था और रफ बार्किंग कफ देखने को मिलता है। एग्रेवेशन मैंने आपको बताया ये कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव होता है, तो एग्रेवेशन इसको कोल्ड एयर से होता है, कोल्ड ड्रिंक से होता है, बिफोर मिडनाइट एंड टुवर्ड्स मॉर्निंग। नाउ एक रेड लाइन सिम्टम है हिपरसल्फ में दैट इसको ऐसा फील होता है दैट इसके गले में एक प्लग है या फिर एक स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, ऐसे लगता है कि कोई फिश का कांटा चुभ गया है गले में या फिर कोई प्लग है थ्रोट में, ठीक है, ये चीज अर्जेंटम नाइट्रिकम में, नाइट्रिक एसिड इन दोनों मेडिसिंस में भी देखने को हमें मिलती है, ठीक है, क्विंसी की प्रॉब्लम, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस देखने को मिल सकता है, ठीक है, और इसमें हार्डनेस ऑफ हियरिंग भी ये जो क्रूप है उसके साथ कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ दैट वी हैव स्टडीड द क्रूप या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम आ जाते हैं हिपरसल्फ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे एंड दैट इज द स्किन। तो द स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू टच, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट हिपरसल्फ का पेशेंट कोल्ड के लिए, ठीक है, किसी भी इमोशनल चेंजेस के लिए या फिर टच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो स्किन जो इसकी होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टच के लिए, cannot bear even clothes to touch the affected part, वो clothes को भी bear नहीं कर पाता है कि वो उसके affected part को touch करे, just like leches, ठीक है। Skin affections extremely sensitive to touch, the pain often causes fainting, सोचिए ये person कितना ज्यादा sensitive है that इसका जो pain है ये often इसको fainting, that means उस pain की वजह से person बेहोश हो जाता है, इतना ज्यादा sensitive है। अल्सर्स देखने को मिलते हैं, लिटिल पस्टूल्स या फिर पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और मिडिल या फिर लोअर लिप इसकी क्रैक्ड देखने को मिलती है, ठीक है। आईबॉल्स की बात करें तो दे आर सोर टू टच और ऐसा लगता है दैट उनको पीछे खींचा जा रहा हो, ठीक है, तो आईबॉल्स का ये सिम्टम दैट इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इन टू द हेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरिया कैसी होती है, सोर स्मेलिंग होगी, क्ले कलर्ड स्टूल होता है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज है हिपरसल्फ की, ये है उसका स्वेट, ठीक है, तो स्वेटिंग इसको प्रोफ्यूजली होती है डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ, बहुत ज्यादा पसीना होता है हिपरसल्फ के पेशेंट को एंड इसका जो पर्सपायरेशन होता है वो सोर होता है। ऑफेंसिव, बहुत ऑफेंसिव ओडर होती है उसकी और किसी भी मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन पे पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग का यूज कर रहा हो या बहुत ज्यादा फिजिकली काम कर रहा हो, चल रहा हो, दौड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड हिपरसल्फ, लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस इट्स जनरल मोडालिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्रेवेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया दैट कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से, कुछ भी खाने पीने से कोल्ड थिंग, ठीक है, या फिर टचिंग द अफेक्टेड पार्ट, टच से अब्यूज ऑफ मर्करी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, इन सबसे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है,
वहीं पर अगर हम आराम की बात करें तो इसको वॉर्म से आराम मिलता है, कोल्ड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है और वॉर्म से इसे आराम मिल रहा है। रैपिंग अप भी एक तरीका है वॉर्म करने का, तो उससे भी आराम मिलता है। और स्पेशली हेड को जब रैप अप किया जाता है डैम्प वेट वेदर में, मतलब बारिश के मौसम में, तो हिपरसल्व के पेशेंट को आराम मिलता है। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन इन विच वी डिस्कस्ड हिपरसल्व। फ्रेंड्स, मैं डेली मटेरिया मेडिका की एक मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग वीडियो मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।